नमस्कार। आज हम लेके हैं बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की रेसिपी। जब हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या शादी में या हमारे घर में कोई खास मौका होता है, तो हम सबसे पहले एक सब्जी जो हमें बहुत ही टेस्टी लगती है वो है पनीर। आज वही रेसिपी हम घर पे लेके आए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो हमने ले लेना है पनीर। पनीर जो हमने लिया है वो लिया है 400 ग्राम। अब इसको हमने पहले कट कर लेना है। बड़े बड़े टुकड़ों में हम पनीर पहले काट कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पनीर तो हमने काट लिया। इसके साथ ही मैंने ली थी 2 शिमला मिर्ची, उसको भी ना डंडी हटा दी, बीज हटा दी, इस ढंग से काट कर हमने तैयार कर लिया है। 2 प्याज को तो हमने बारीक काटा है और 2 हरी मिर्ची को भी बीच में से चीरा लगाकर 4 भागों में काट कर तैयार कर लिया है। लेकिन ये मैंने 3 प्याज ली थी और इसको ना 4 भागों में काटने के बाद इस ढंग से खोलकर तैयार कर लिया है। और ये 3 टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है। देखिए चॉपिंग की तो सारी हमने तैयारी कर ली है, अब बाकी हम बनाते हैं किचन में जाके। देखिए हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसको हमने गर्म कर लेना है फैलाते हुए। देखिए जैसे ये गर्म हो जाएगा, हमने जो ये 400 ग्राम पनीर लिया ना, पहले इसको हमने शैलो फ्राई करना है। देखिए मैंने थोड़ा बड़े साइज में काटा है, आप चाहे तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं या पतला भी कर सकती हैं। देखिए हो गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से एक तो टेस्ट भी बढ़ जाता है और जब हम मसाले में बनाते हैं ना पनीर, वो टूटता भी नहीं है। देखिए हमने थोड़ा सा ना हल्का गरम पानी लिया हुआ है, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, 1/2 टीस्पून नमक। अच्छे से घुल गया है, सारे पनीर को इसमें डाल देते हैं जिससे कि पनीर सॉफ्ट बना रहेगा। बस इसे अभी ढककर रख देते हैं। इसी पैन में और इसी ऑयल में हमने जो 2 शिमला मिर्ची काटी हुई है, इस ढंग से उसको डाल देते हैं। इसकी बीज और डंडी को भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है, वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा इसको हम शैलो फ्राई करके निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही करना है। लेकिन 1 ही मिनट करना है हमने, और ये मैंने तेज़ गैस पे ही करा है क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था, जल्दी से हो गया है। ऑयल ढाड़ कर प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं ये जो 3 प्याज को हमने काट कर खोल रखा है ना, वो डाल के इसे भी ना तेज गैस पर 1 से 2 मिनट तक इसी ढंग से भून लेते हैं। थोड़ा इसका क्रंच बना रहेगा। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी हो गई है, गैस बंद कर दिया मैंने, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर लेते हैं, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा। देखिए जीरा अच्छे से फूल गया है। अब जो हमने 2 प्याज काटी हुई है बिल्कुल बारीक, वो इसमें डाल देते हैं। अच्छे से भून लेंगे प्याज को, जो प्याज है हमारी गोल्डन हो जाए। देखिए प्याज तो हमारी हो गई है, अब मैं इसमें डाल लूंगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी थोड़ा सा पका लेते हैं। अब जो हमने 3 टमाटर पीसे हुए ना मिक्सी में, वो इसमें डाल देते हैं। अब कुछ मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, पहले इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है इसमें, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, और ये कम तीखी वाली है जिससे कलर अच्छा आता है, 1 टीस्पून ही मैंने डाला है धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लें पहले। देखिए अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच डालने लगी हूँ फ्रेश मलाई। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास मलाई थी, मैंने वही डाल दी है थोड़ी सी फैट के।
अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून मैं इसमें सब्जी मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। अब डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे, तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ गया, अब पनीर को इसमें डाल देते हैं पानी में से निकाल के। देखिए पनीर को डालने के बाद ये शिमला मिर्ची को भी डाल देते हैं और इस प्याज को भी डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर दें। ये देखिए अब मिक्स कर रहे हैं ना, आप देख पा रहे होंगे जो पनीर है ना उसकी शेप नहीं खराब होगी। देखिए अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डालें। और 2 हरी मिर्ची को बीच में से चीरा लगा लिया था, वो मैंने 4 भागों में काट लिया है, वो मैं इसमें इस ढंग से डाल देती हूँ। इसको कर देंगे लो मीडियम और 4-5 मिनट ढक देते हैं। देखिए 4-5 मिनट हो गए ऐसे पकते हुए, हम गैस को बंद कर देते हैं लेकिन खोलेंगे 2 मिनट बाद। देखिए 2 मिनट हो गए, ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पनीर बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप एक बार इस तरीके से पनीर बनाइए और सबको खिलाइए। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।